मुंबई दहिसर साइबर सेल ने एक अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है जो बतौर कंप्यूटर इंजीनियर है और वह लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। दहिसर साइबर पुलिस स्टेशन के एपीआई अधिकारी अंकुश लांगड़े और उनके सहयोगी श्रीकांत देशपांडे ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो कई बड़े अहम खुलासे सामने आए। दरअसल साइबर पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हैं जो नेवी छात्र को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ऐंठ लिए हैं। ऐसी शिकायत के बाद जब दहिसर पुलिस स्टेशन की साइबर टीम जांच करने शुरू की तो कई खुलासे सामने आए, जिसमें सबसे प्रमुख रहा कि यह शख्स बतौर कंप्यूटर इंजीनियर है और इसका नाम है रवि शर्मा, जो दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाया और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने जाँच में यह पाया कि यह शख्स कंप्यूटर इंजीनियर है और अपना बोगस प्रोफाइल नौकरी.com पे डालकर वहाँ से पहले लोगों का डेटा चुराता है और जो लोग नौकरी की इच्छा रखते हैं उन्हें शिकार बनाकर उनसे लाखों रुपए ले लेता है। ऐसा ही एक मामला दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में आया जब एक नेवी के छात्र ने नौकरी के लिए नौकरी.com जैसे एप्लीकेशन पर अपना प्रोफाइल डाला था, जिसमें अंकुश शर्मा ने उसे फ़ोन कर यह बताया कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ नेवी के छात्रों को नौकरी दी जाती है। अंकुश शर्मा ने उस छात्र को बाकायदा ऑफर लेटर भी दिया। जब वह छात्र ऑफर लेटर लेकर बड़ोदरा की उस कंपनी में पहुँचा तो वहाँ से बताया गया कि यह बोगस ऑफर लेटर है और वहाँ ऐसी कोई नौकरी नहीं है। दरअसल छात्र वापस मुंबई आया और दहिसर साइबर पुलिस को पूरी जानकारी दी। साइबर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी रवि शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसके पास से बोगस ऑफर लेटर, 2 मोबाइल फोन्स और 4 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। देखने वाली बात यह है कि जो लोग भी नौकरी.com जैसी वेबसाइट पर नौकरी की तलाश करते हैं उन्हें सचेत रहना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके साथ भी रवि शर्मा जैसे तमाम अपराधी घूम रहे हैं जो आपको शिकार बना सकते हैं। 28/4/23 को ये जो गुनाह है वो रजिस्टर हुआ है दहिसर पुलिस स्टेशन में, जिसमें एक आरोपी जो है 30 साल का है, रवि कुमार अशोक कुमार शर्मा, इसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। हमारे जो साइबर ऑफिसर्स है अंकुश दानगे और उनकी टीम, हमारे जो PI क्राइम सीनियर PI दहिसर और ACP पिंगले साहब, इन्होंने ये जो ऑफेंस है ये बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया है। जैसे 28/4 को ऑफेंस रजिस्टर हुआ और 10/5 को ये आरोपी दिल्ली में उसको ये किया गया, सर्च किया गया और उसी दिन उसको अरेस्ट किया गया है। 17/5 तक उसकी कस्टडी है। उससे हमने 4 ATM, 2 मोबाइल और पासबुक जो है उसके, वो सारे तपास में लिए हैं। ये जो आरोपी है इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक हमें मिला नहीं है, उसकी तहकीकात जारी है। वही हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक तो मिला नहीं है, पर हमें हमारा ये है कि शायद ऐसे किया होगा पर किसी ने रजिस्टर नहीं किया होगा। हम आह्वान करते कि किसी के साथ अगर ऐसी ठगी हो गई होगी तो कृपया हमसे संपर्क करें। कितने मुद्देमाल जब्त किया गया है और क्या क्या रिकवर? एक मिनट, मुद्देमाल किती केला ते सांगितलं ना मी, कार्ड आणि 2 मोबाईल, वो अभी तपास में है। कैश ऐसे अभी तक तपास हुआ।